चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरीज। ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, उसका रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जनरली हम सिंगल कॉइल है, अगर एक सिंगल कॉइल है उसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई इंटू ए होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो ये हो जाएगी एन इंटू आई इंटू ए हो जाएगी, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं हो गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।